Hi, this is Neeraj Garga and you are watching Polynomials. Divide 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by x minus 1 minus x square and verify the division algorithm. ठीक है, हमें polynomials given है और हमें divide करना है. Divide करने से पहले हमें देखना है कि वो standard form में है या नहीं. Standard form क्या कहती है कि हमेशा polynomial को जब हम divide करते हैं तो वो हमेशा जो उनकी degree होती है वो decreasing order में होनी चाहिए, उस तरीके से लिखी होनी चाहिए. तो यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड है और जो डिवाइजर है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री की फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ सबसे पहले आएगा सबसे बड़ी डिग्री, मतलब माइनस के एक्स क्यूब, देन प्लस के थ्री एक्स स्क्वायर, देन माइनस के थ्री एक्स प्लस के फाइव. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने ये लिख लिया. सिमिलरली हम डिवाइजर को भी ऐसे लिखेंगे, सबसे बड़ी डिग्री मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के वन. इस तरीके से हमने ये लिख लिया. यहाँ पर डिवाइड करने के लिए जो हमारी डिविडेंड की पहली टर्म है माइनस एक्स क्यूब, उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर की पहली टर्म से माइनस एक्स स्क्वायर से. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा हमारा एक्स, ये एक्स आ जाएगा हमारा यहाँ पर. और इस एक्स से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जो हमारा डिवाइजर है. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, ये हमारा गया माइनस एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स. ये जो हमारा मल्टीप्लाई करके आया इसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर. तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स. ठीक है, साइन चेंज करेंगे. साइन चेंज करने पर यहाँ क्योंकि माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस. ठीक है, ये कैंसिल हो गया. प्लस के थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर, मतलब कि प्लस के टू एक्स स्क्वायर. और ये माइनस के थ्री एक्स और प्लस के एक्स, मतलब माइनस के टू एक्स. और ये फाइव कैरी हो जाएगा यहाँ पर प्लस के फाइव. ठीक है, अब हमारे पास आया टू एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से. एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया माइनस के वन, मतलब टू अपॉन माइनस वन, मतलब कि माइनस के टू. और ये माइनस टू आ जाएगा यहाँ कोशेंट वाली जगह पर. और इस माइनस टू से हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई कर देंगे. माइनस टू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के टू एक्स स्क्वायर, माइनस के टू एक्स और प्लस के टू. और ये पूरा यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स और प्लस के टू. साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया. और यहाँ बचा हमारा प्लस के थ्री और माइनस के टू, मतलब कि थ्री. अब यहाँ पर क्योंकि डिग्री हमारी रिमाइंडर की क्या आ रही है, ज़ीरो. ठीक है, डिवाइजर की डिग्री है टू और यहाँ पे आ रही है डिग्री ज़ीरो, तो ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर. रिमाइंडर हमेशा या तो ज़ीरो आना चाहिए या उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से लेस होनी चाहिए. ठीक है, तो हमारा कोशेंट हो गया x माइनस टू और रिमाइंडर हो गया थ्री. लेकिन ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन अभी हमको वेरिफिकेशन करना है. ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं. वेरिफिकेशन के लिए हमें जो डिवीजन एल्गोरिथम होती है वो हमें पता होनी चाहिए. और डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, वेयर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, जो कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ. जी एक्स यहाँ पर क्या है, जो कि हमारा डिवाइजर है. आर एक्स क्या है, जो हमारा रिमाइंडर है. ठीक है, सो अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे. डिवाइजर हमारा क्या था, डिवाइजर था हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन. और कोशेंट हमारा क्या आया, एक्स माइनस टू और रिमाइंडर कितना है, थ्री. ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू प्लस एक्स एक्स माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस के थ्री. अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर. यहाँ एक्स इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के टू एक्स. माइनस वन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस टू से, तो ये आ जाएगा माइनस के वन एक्स और प्लस के टू प्लस के थ्री. तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब और टू एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स और माइनस के वन एक्स, मतलब कि माइनस के थ्री एक्स और टू प्लस थ्री फाइव. और ये हमारा क्या था, ये हमारा था डिविडेंड. ठीक है, सेम आ गया,
ये हमारा वेरीफाई हो गया। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।